Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. वेल वेलकम टू द ड्रामा कंपनी सुपर नाइट्स. आज मेरा दिल बहुत ही म्यूजिकल हो रहा है. एक्चुअली म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कभी भी कहीं भी आपको एंटरटेन कर सकती है. इसीलिए आज द ड्रामा कंपनी सुपर नाइट्स की नाइट में म्यूजिकल तड़का डालने के लिए बहुत कुछ स्पेशल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी सबसे पहले सुरों की मलिका और मेलोडी के किंग की परफॉर्मेंस से. सो प्लीज वेलकम कुमार सानो एंड अलका याग्निक. ये देखिए, हाय हाय, कमाल, एक अलग ही जोश आ गया आज आप लोगों के आने की वजह से. मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत सारे आप दोनों के गाने सुने, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फैन मैं सर आपका हूँ. क्यों? बचपन में जब छोटा छोटा वो नया नया प्यार होता था ना, हाँ. वो जो गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट बनती थी ना, हाँ, हाँ, हाँ. उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है. अरे इससे गाने मतलब गा गा के आपके यू नो लड़की को पटाया है कि बोलते ना कभी छोड़ने का नाम ही नहीं लिया यार. ताले हो जाए यार इनके लिए यार. मुझे मालूम है, हाँ. बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके गाने से हम लोगों ने प्यार कर लिया. हाँ जी. आप लोगों के गाने से हम लोग शादी कर लिए. हाँ. पर ये जो शादी का जुर्म है, हाँ. ये हमारे सर है जिसने हमारे गाने सुन के शादी कर ली है. बीच वाला जो मामला है शादी के बाद, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है. कुमार सानू और अलका याग्निक जब सामने हमारे हैं, तो ये एपिसोड तो आपके परफॉर्मेंस के बिना शुरू ही नहीं कर सकते. सुनना चाहते हो कि नहीं? कुमार सानू जी के लिए. अरे मेरे को उधर जाना था, किधर जाना मैं भी. मत बोलो क्योंकि बहुत डर लगता है वंस मोर सुनने से. क्योंकि एक बार मैं बिहार में गया था शो करने, एक गाना था तो मेरे को बोलो वंस मोर, मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो फिर मैं गाया. हाँ जी. फिर बोला वंस मोर वंस मोर. फिर मैं गाया. अच्छा. ऐसा कर करके मैं 8 बार गा दिया गाना. 8 बार गाने के बाद मैंने उनको बोला कि आप लोगों को ये गाना इतना पसंद है कि मैं 8 बार गा दिया, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं. धोती वाला एक आदमी उठा ऐसा करके, ओए सानू जी ऐसा कुछ नहीं है, जब तक ठीक नहीं गाओगे तब तक गाते रहो. तो इसीलिए वंस मोर नहीं चलेगा. मुश्किल क्या है मालूम है, हम दोनों ने इतना रोमांटिक गाना गाया. हाँ जी. इतना रोमांटिक गाना गाया लेकिन हम दोनों ने कभी रोमांस नहीं कर पाया यार. सानू जी मौके का फायदा उठा रहे हैं. ये बोलो नेकी और पूछ, ये तो हम सोच रहे थे कि भैया फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ेगी, अब तो यू नो ओपन ग्राउंड हो गया हमारे लिए. चलो भाई, आपको कैसा टाइप का परफॉर्मेंस है पहले वो बता दो, कौन से गाने पे कर रहे हैं वो भी बता दो, मेरा दिल भी कितना पागल है टाइप का गाने पे. ठीक है चलेगा. रोमांटिक लाइट्स बहुत होना चाहिए. एक मिनट ये उससे नहीं होगा. फिर से करना आपको? फिर से नहीं हो गया ना, हो गया जो मेरे को लेना था ले लिया मैं. मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सीट पर जाके बैठ जाए ताकि हम शो को आगे बढ़ा सके और एंटरटेनमेंट भी शुरू कर सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज टेक अ सीट. थैंक यू.
ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फिल्म से दिवाली में चार चांद लगा दिए। आज है टाइम टू सेलिब्रेट एंड पार्टी। यस, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की। सो प्लीज वेलकम द स्टार कास्ट ऑफ सीक्रेट सुपरस्टार, ज़ारा वसीम, मेहर वेज एंड तीर्थ शर्मा। आपसे जानना चाहूंगा कि ये दोनों लड़कियां तो बहुत ही आज एकदम सज जज के, यू नो दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप बड़े एकदम यू नो कैजुअल आए हो आज की। या क्योंकि एक्चुअली ये मेरा लकी ड्रेस है और लकी ड्रेस है क्यों? आई बिलीव इन लकी थिंग्स, सो एक्चुअली मैंने ये तो मेरा लकी ड्रेस। तो ये कमीज और ये पहन के आपका क्या लक चेंज हुआ है वो भी जानना चाहूंगा मैं। जब आमिर सर आने वाले थे बड़ौदा में, तब मैंने एक नॉर्मल एक कैजुअल ड्रेस था, बट एट द एंड वो ड्रेस मुझे चेंज करना पड़ा था और तब मैंने ये लिया था और वो दो दिन बहुत ही अच्छे गए। सो फ्रॉम दैट डे आई बिलीव दैट ये मेरे लिए कुछ अच्छा है। भाड़े पे दोगे क्या मेरे को भी? मेरे को भी लॉन्च होना है भाई। जरा आपने दंगल किया इससे पहले और अब आपने सीक्रेट सुपरस्टार किया है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि दंगल में आपको आमिर खान जो उस टाइम पे एक स्ट्रिक्ट फादर थे वो ज्यादा पसंद आए या फिर सीक्रेट सुपरस्टार में वो जो एकदम हे बेबे व्हाट्स अप? मेरे लिए तो हे बेबे वाले ज्यादा फेवरेट रहेंगे। अच्छा, आई लव्ड हिम इन सीक्रेट सुपरस्टार। अरे वाह, मैं हमेशा एक चीज हमेशा सोचता हूँ कि लड़कियों के लिए यू नो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है अपने बाल काटना। तो जब आपको ये कहा गया था कि आपको बाल काटने हैं, आई स्वेयर मैं किसी के लिए ना हूँ, आपने कैसे हाँ बोल दी? मुझे नहीं लगा था वो सच में काटेंगे, पर रामेश सर ने हमें एक चीज बताई थी कि आज जो भी हो रहा है इट विल ऑल बी वर्थ इट। सो क्या बात, एंड डेफिनेटली जो कहा वो बिल्कुल सही है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि विच खानदान की है? ब्यूटीफुल तो होनी है। Yes, that's the connection. Yeah, बड़ा एकदम family सा, you know, वो आ रहा है। Mahi, are you seeing this? देख ले, ऐसी होती है, बेच कहाँ निकल गई? अभी भी तू दबक के बैठी है मेरे पास। यार मुझे उसमें सबसे क्यूटेस्ट सीन जो था वो था जब पासवर्ड आपको उनको बोलना था। आए हाय क्या सीन था भाई। रियल लाइफ में मेरे को एक बात बताओ, ऐसी कोई मिली है जो अपना पासवर्ड तुम्हारे नाम नहीं, पे रखे? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। क्या जेन्युइन एक सवाल पूछना चाहूंगा कि फिल्म के बाद लड़कियों का अटेंशन कुछ ज्यादा मिलना शुरू हुआ है और मजा आ रहा है? ऐसे बहुत सारी मस्ती बहुत सारी बातें हम और भी करते रहेंगे, अभी हम शो को शुरुआत करते हैं। प्लीज टेक योर सीट, जोरदार तालियां हो जाए फॉर द स्टार कास्ट ऑफ सीक्रेट सुपरस्टार। की शादी है क्या? एक मिनट एक मिनट, वैसे हो भी सकती है क्योंकि जैसे लड़ने पैदा किए उनका दूसरा ट्राई तो बनता ही बनता है। एक चमाट खींच के मारूंगी ना, अपना मुंह सूज जाएगा मेरा। उसको चमाट मारेगी तो आपका मुंह कैसे सूजेगा दीदी? अरे पांच पांच मुस्तैंडे इनको मारूंगी, ये मुझे मारेंगे, मेरा ही मुंह सूजना है। एक दो तीन इनके अलका जी का गाना, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात दीदी,
She's a very nice lady. हाँ दीदी. इनका शो था. हाँ. मैं टिकट नहीं खरीद पाई. हाँ. मैं बाहर ही खड़ी थी, इनकी गाड़ी आई, मैंने कहा हल्का जी मैंने आपका गाना नहीं सुना. हाय. बस मुझे सुना दो. फिर? दो घंटा सुनाया इन्होंने मुझे. कौन सा गाना सुनाया? गाना नहीं गालियां सुनाई मेरे को बाहर खड़ी. इनके जाने के बाद 3 महीने तक मेरे कानों में हारमोनियम की आवाज गूंजती रही है. अच्छा हाँ, सुरीली गालियां थे ना? नहीं नहीं, गालियों के बाद हारमोनियम फेंक के मारा इन्होंने मेरे. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन.